हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन थम। अप्रैल का महीना चल रहा है, गर्मी बहुत अधिक हो रही है। हमारे सारे फूलों के पौधे गर्मी से परेशान हैं, तो आज मैं बताऊंगी 6 बेहतरीन होममेड ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर जो कि आपके पौधों को इस तपती गर्मी से बचाएंगे, साथ ही उन्हें पोषण भी देंगे। लिक्विड फॉर्म में किसी भी पोषक तत्व को पौधे आसानी से और जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं ये 6 लिक्विड फर्टिलाइजर और उन्हें कैसे तैयार करना है, तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। पहले नंबर पे आता है प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइजर। 4 से 5 प्याज के छिलके लीजिए, उसे 48 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिए। प्याज के छिलके में बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम होता है जो कि पौधों पर फूल लाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस और सल्फर भी पाया जाता है, साथ ही इसमें कॉपर भी की भी अच्छी मात्रा होती है। 24 घंटे बाद इस लिक्विड को लें और छान के जितना लिक्विड है उतना ही पानी मिलाकर इसे गमले में डाल दें। यह लिक्विड फर्टिलाइजर उन पौधों के लिए बहुत ही अच्छा है जिनके ऊपर फूल या फल आने वाले होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइजर। 3 से 4 केले के छिलके लें और उन्हें छाए वाली जगह पर सुखा लें। केले के छिलके ताजे नहीं लें, नहीं तो उसे पौधों में फंगस लगने का डर होता है। इन सूखे हुए छिलकों को 1 गिलास पानी में भिगो दें। 2 दिन के बाद ये फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो जाएगा। यह लिक्विड पोटेशियम से भरपूर होता है, साथ ही इसमें थोड़ी सी मात्रा में फास्फोरस भी होता है। तो 2 दिन के बाद जब ये लिक्विड तैयार हो जाएगा तो जितनी मात्रा में लिक्विड है उसी मात्रा में पानी मिला के इसे डाइल्यूट कर लें और फूलों वाले पौधों के पॉट में इस लिक्विड को डालें। जितने भी पौधे हैं फूल वाले, चाहे गुड़हल हो, गुलाब हो, यूफोरबिया मिली हो, आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। मेरे लिस्ट में 3रे नंबर पर आता है अंडे के छिलकों से बनी हुई खाद। 4 से 5 अंडे के छिलके लें, इसे धूप में अच्छे से सुखा लें ताकि अंडे का बिल्कुल भी अंश इसमें ना रहे। इसे छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ लें ताकि इसके पोषक तत्व अच्छे से पानी में डिजॉल्व हो सकें। इसे पानी में भिगोकर 1 हफ्ते के लिए रख दें। 1 हफ्ते बाद इसे पौधों के गमले में डाल दें। ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। इसमें 93% तक कैल्शियम कार्बोनेट होता है, साथ ही इसमें फास्फोरस और मैग्नीशियम भी होता है। तो जितने भी सकुलेंट्स प्लांट आपके हैं, कैक्टस हैं, अडेनियम हैं, उनके लिए एक शेल का ये लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छा है। इसके अतिरिक्त से किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। मेरे लिस्ट में 4थे नंबर पर आता है संतरे के छिलकों से बना लिक्विड फर्टिलाइजर। 2 से 3 संतरे के छिलके लें, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। संतरा नहीं है तो कोई भी खट्टे फल ले सकते हैं, जैसे कि नींबू हुआ या किन्नू हुआ। इसे 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। यह लिक्विड फर्टिलाइजर पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अगर पौधों के ऊपर इसका स्प्रे करेंगे तो उनके ऊपर कीड़ों का अटैक नहीं होगा। साथ ही इस लिक्विड का 20 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधों के ऊपर स्प्रे कीजिए। वे पौधे चाहे वो आउटडोर हो या इंडोर हो, उससे इनकी पत्तियां चमकदार बनी रहती हैं। इसके अलावा इसका 50 ml ये लिक्विड 1 लीटर पानी मिलाकर पौधे के पॉट में डालिए। पौधे बहुत ही स्वस्थ बने रहेंगे और बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। किसी भी तरह के पौधों पर इनका प्रयोग किया जा सकता है। मेरे लिस्ट का अगला फर्टिलाइजर है चाय पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइजर। तो यूज़ किए हुए टी बैग लीजिए। अगर टी बैग आप यूज़ नहीं करते हैं तो चाय पत्ती जो होती है जो यूज़ करते हैं उसे ले लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप चाय पत्ती लेंगे तो उसे अच्छे से धुल लीजिए 3-4 बार,
ताकि उसमें का जितना भी चीनी और या दूध की मात्रा है वो हट जाए, नहीं तो फिर ये पौधे को परेशान कर देगा, चींटियाँ लग जाएंगे पौधे में। इसे 24 घंटे के लिए भिगो लें और फिर इसे अपने पौधों में आप डाल सकते हैं। तो जो भी पौधे जिन्हें एसिडिक सॉइल पसंद होती है, खासतौर से जितने फूल वाले पौधे होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अब अगले नंबर पे आता है लीफ मोल्ड कंपोस्ट, इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। एनपीके का बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक विकल्प है। 50 ग्राम लें, इसे दो दिन के लिए पानी में भिगो लें, उसके बाद किसी भी तरह के पौधों पे आप गमले में भी डाल सकते हैं या इसे छान के इसका लिक्विड का स्प्रे भी कर सकते हैं। एनपीके का बेहतरीन विकल्प है ये। तो ये थे हमारे 6 लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिनका प्रयोग अगर आप हर 15 दिन पे पौधों पे करेंगे तो गर्मी में आपके पौधे बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे, उसमें अच्छे फल और फूल आएंगे, साथ ही इनकी पत्तियां चमकदार बनी रहेंगी। इसके साथ ही जब पौधों में अच्छा पौधों को अच्छा पोषण मिलता है तो उनको रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। और ये होममेड फर्टिलाइज़र है, साथ ही पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, तो किसी भी तरह का नुकसान आपके पौधों को इस गर्मी में नहीं होगा। आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।